शॉपिंग कर रहे हैं रक्षाबंधन की। मान से गाइस आप छोड़ के ही चले गए। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज का व्लॉग हल्द्वानी से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अभी गाइस सुबह के 9 बज चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं थोड़ा सा राशन लेने के लिए, मैं और कन्नू। ईशु कन्नू भी स्कूल नहीं गए हैं तो मेरे साथ राशन लेने कन्नू आ रही है और मानसी और ईशु यहाँ घर में सफाई करेंगे। आज तो सुबह से ही बहुत तेज़ धूप हो रही है गाइस, इतनी तेज़ लग रही है ना। कन्नू चाय भी ले आ स्कूटी की। अभी तक ये धूप में खड़ी होने की वजह इतनी गर्म हो रही है ना गाइस। कन्नू कुछ लेके आ। तो अब सही है गाइस, अब कट्टा बिछा दिया बैठ, फटाफट से राशन ले आते हैं। अभी पहुंच गए हम राशन लेने के लिए सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान। क्या है अभी गाइस हमें मिल चुका है राशन। चलो अब चलते हैं घर। चलो गाइस पहुंच चुके हैं हम घर। आज हमें क्या मिला है अभी दिखाता हूँ मैं। गाइस ये देखो, एक तो हमें मिले हैं गेहूँ, नॉर्मली मिलते हैं, और आज हमें क्या मिला है, मड़ुआ। जो पहाड़ में हम पहले रोटी खाते थे इसकी, अभी भी होता है हमारे पहाड़ में। तो मड़ुए की रोटी बनानी आती है तुझे? आती है। अच्छा, एक रोटी बना के दिखा देना गाइस। इसकी रोटी बड़ी मुश्किल से बनती है, इसमें थोड़ा सा गेहूं भी मिक्स करने पड़ेंगे तब जाके मानसी से। प्योर मड़ुआ बना सकते? नहीं बनेंगे तेरे से, इसे लोग बना देते हैं। अभी प्योर मड़ुए की रोटी बना सकते हो चूल्हे में। और हम पीछे खेलते थे ना गाइस, तो वहाँ भी खेलना मना हो गया है शायद, किसी ने कंप्लेंट कर दी थी क्योंकि उनके घर में बार बार बॉल चले जा रही थी, उनने कंप्लेंट कर दी। अब वहाँ खेलना भी बंद। अभी मुझे पता चला है अभी थोड़ी देर पहले कि जब से मैं गया हूँ तब से किसी ने खेला ही नहीं है वहाँ। अभी गाइस हमारे पास आ गया मस्त लंच, तो फटाफट से अपना लंच कर लेता हूँ। आज कल रात की सब्जी है और चावल बनाए मानसी ने मस्त मस्त। खाना तो खा लिया है, चलो थोड़ी देर आराम करते हैं और फिर मिलता हूँ उठने के बाद। तब तक के लिए बाय बाय। अभी मैं जा रहा हूँ दुकान में, शाम के 4 बज चुके हैं और मैं अभी उठा हूँ। डबो ये इतना क्यों चिढ़ता होगा ये? अभी ये देखो गाइस, यहाँ मानसी बैठी है, बाजार नहीं चल रही है। कब गाइस? अभी हम जाने वाले हैं आज सनी बाजार, बहुत टाइम से गए नहीं है, तो थोड़ा बहुत सामान मुझे भी लाना है, थोड़ा बहुत मानसी ने भी लाना है। चलो मैं तैयार हो जाता हूँ। वैसे कमीज तो ठीक ही हो रही है, पैंट बदल देता हूँ, चैनल को बंद कर देता हूँ, अभी चलते हैं। मानसी चल, मैं सोच रही हूँ रक्षाबंधन में साड़ी पहन। हरकत है मत कर यार, चल गाड़ी चला चल। अच्छा मरना है क्या हमें? बड़ी मुश्किल से मानसी राजी हुई है गाड़ी चलाने के लिए। चलो अब चलते हैं सीधे सनी बाजार। दुकान में ईशु बैठी है गाइस। मस्त गाड़ी पार्किंग में लग चुकी है, चलो फटाफट चलो। थोड़ा सा ही आगे है यहाँ से, राइट टर्न, रोड के उस पार लगती है सनी बाजार। चलो आगे चलते हैं। और मानसी को क्या लेना है तुझे मानसी? मुझे लग रहा है यहाँ से 2 रुपए वाली राखी लेने आई है मेरे लिए। गाइस यार भीड़ तो इतनी तगड़ी है ना यहाँ, बहुत ही खतरनाक वाली। अभी बाजार के अंदर आ गए हैं। कन्नू ने तो अपने लिए सूट ले लिया, मानसी की बारी है, मानसी लेगी। रक्षाबंधन के लिए ले रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं रक्षाबंधन की। अभी यहाँ से मानसी अपने लिए सूट ले रही है। फाइनली गाइस बड़ी मुश्किल से रक्षाबंधन की शॉपिंग पूरी हो गई। मुझे छोड़ के जा रहे हैं, देखो जाओ जाओ, मैं नहीं आ रहा हूँ, जाओ अब तो मैं आऊँगा भी नहीं, जाओ। देखो गाइस इतने दूर ले आए मानसी। अरे गाइस आप छोड़ के ही चले गए क्या सच में? वो देखो बड़ी दूर चले गए हैं गाइस। यार वो तो सच में छोड़ के चले गई, पता नहीं कहाँ चले गई। आने दो, अभी मरती है मेरे हाथ से, वापस आएगी पक्का, वो मुझे पता है। आप मरती है, रुक जा तू, आ बेटा तू आ। बैठ गाड़ी में,
गाइस घर आ चुके हैं और ये जा रहे हैं अभी मंजुदी को छोड़ने। आ मंजुदी आई थी ना, बाजार गई थी मंजुदी भी शॉपिंग करने के लिए। थोड़ा बहुत जो जो शॉपिंग करनी थी वो हो चुकी है, मानसी और कन्नू की तो पूरी हो गई है। मैं अपने लिए एक शर्ट लाया हूँ मस्त वाली। गाइस अभी बारिश आने लग गई है बहुत तेज तेज वाली, इतनी तेज बारिश आ रही है सब भीग गया। छत में कपड़े थे ना, कुछ कपड़े और गेहूँ डाले थे, सब भीग गए। गाइस मानसी लोग मंजुदी को छोड़ के आ गए हैं और ईशु इन पे हंस रही है कि ये कपड़े कैसे लेके आए। गाइस ये देखो मैं ये वाली जाली वाली कमीज लाया हूँ अपने लिए, और कन्नू अपने लिए ये लेके आई है पता नहीं क्या है ये, और इसके साथ नीचे से ये पहनने के लिए। और मानसी अपने लिए ये वाली कुर्ती लेके आई है, और मैं अपने लिए ये जो आजकल चली है वो वाली कमीज लेके आया हूँ। गाइस ये वाली इशू की चॉइस है, ये इशू की है और ये कन्नू की है। देखो कौन सी अच्छी लग रही है, ये कितनी बड़ी हील है ये, और ये इशू की है, ये कन्नू की है। गाइस जितना ठंडा आना चाहिए ना उतनी ज़्यादा गर्मी आ रही है, यहाँ उल्टा हो रहा है, इतनी गर्मी हो गई है मैंने तो कमीज भी खोल दिया। चलो पहले खाना खा लेते हैं, अभी खाना लग चुका है हमारा। आज मानसी ने दलिया बनाया है और रोटी भी बनाई है। गाइस डिनर कर लिया है, चलो हम मस्त करके जल्दी सोते हैं और सुबह जल्दी उठना भी है, ड्यूटी भी जाना है। तो चलो गाइस आज के व्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।